पटवारी की शिकायत मिली थी, महेंद्र पटवारी, उस महेंद्र पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उस प्रकार का जैसा व्यवहार उस पटवारी का ध्यान में आया है वो कोई उचित नहीं था, इसलिए उसको सस्पेंड किया है। एक DFO है रघुवीर सिंह, कटाई के फॉरेस्ट की कटाई के पेड़, उन्होंने भी जिस लापरवाही से यहाँ विषय को गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही दिखाई, उनको भी 1 महीने की कंपलसरी लीव इसके ऊपर भेज दिया गया, ताकि ये भी एक सबक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जहाँ तक नशे को लेकर के यहाँ एक बड़ी शिकायतें लोगों ने की हैं, जानकारी इसकी मुझे पहले भी है, उसमें हमने कई प्रकार के जो प्रयोजन हैं उनको किया है, लड़कों को नौजवानों को स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइज में कैसे उनको आगे प्रेरित किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके लिए जो हमारे ग्राम व्यायामशालाएँ हैं, इस समय 81 ग्रामशालाएँ इसकी योजना जो बनी है काफ़ी उसमें तैयार हो गई हैं, कुछ उसमें इन प्रोसेस हैं, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है, 81 पहले से हैं। फिर भी मैंने आह्वान किया कि और भी किसी गांव में इस प्रकार की आवश्यकता 2 एकड़ अथवा 4 एकड़ में जो पंचायत की भूमि पर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक रिहैबिलिटेशन सेंटर का विषय है, अभी सिरसा में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर 50 बेड का बड़ा एक सेंटर और उसको मंजूरी मिल गई है, वो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। और भी जहाँ की आवश्यकता होगी सरकारी भी हम खोलेंगे, प्राइवेट संस्थाओं ने भी रिहैब सेंटर से बनाए हैं डी एडिक्शन सेंटर्स, और उसका भी उपयोग हमें इस नशे की ओर युवक हमारा न बढ़े इस नाते से उसका उपयोग हम करेंगे। और हमारे जो नार्कोटिक्स एंटी नार्कोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, ताकि जो सप्लाई साइड है उसको भी कैसे रोक सकें, डिमांड को तो लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, समाज में एक जागृति पैदा करनी पड़ती है, तो डिमांड साइड कम हो लेकिन सप्लाई साइड में उनको दंडित भी करना पड़ता है कि वो इस प्रकार के नशीले पदार्थों की सप्लाई इसको बंद करें, इसकी बिक्री बंद करें। एक महिला उपस्थित हुई थी जिन्होंने कहा कि मेरे पास जमीन 9 एकड़ है, मेरी ओल्ड एज पेंशन बना दी जाए, तो हमने उनको समझाया है कि हमारे यहाँ 5 एकड़ का एक नियम है कि 5 एकड़ से ज़्यादा अगर किसी की ज़मीन होती है तो उसको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलती है। और उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं, लड़कियां हैं, मेरी आवश्यकता ज़्यादा है, तो हमने तुरंत 1 लाख रुपया DQ में से जो डिस्क्रिशनरी कोटा है मेरे पास उसमें से उनको तुरंत दिया है। लेकिन नियम जो हैं ओल्ड एज पेंशन के उनको ज़रूर ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार का एक केस और आया है कि पति की 27 एकड़ ज़मीन थी और 27 एकड़ ज़मीन थी और उन्होंने मरने से पहले अपने बेटों को वसीयत कर दी, पत्नी के नाम कुछ नहीं दिया, जो कि नियम अनुसार उचित भी नहीं है, क्योंकि पत्नी का जो उसका जो भत्ता है गुजारा भत्ता वो भी परिवार को पति जब तक है ठीक है, नहीं तो बेटों को भी देखना होता है और उसका तो ज़मीन में हक भी बनता है। हमने उसका आदेश ही दिया क्योंकि विल है, विल को तो शायद कैंसिल नहीं भी किया जा सकता, कानूनी उसका प्रावधान देखेंगे, लेकिन तब तक उस 27 एकड़ में से एक हिस्सा 1/4 जो है 6.5 एकड़ और उसकी जो इनकम है आमदन है वो उस महिला को दिलाने के लिए हम जो भी प्रावधान होगा वो करेंगे, ताकि उस महिला को उसका गुजारा उस 6.5 एकड़ ज़मीन का जो आमदन है आय है उसमें से उसको मिलता रहे। सर, आज से आपने जन संवाद अभियान की शुरुआत की, सिरसा से शुरुआत की, क्या ये अभियान पूरे हरियाणा भर में चलेगा? इससे पहले भी कितने जिले कवर कर लिया आपने? इससे पहले भी मैं रोहतक में, करनाल में 2 पहले कर चुका हूँ, आज ये तीसरा है। और लगातार इस प्रकार के, चूँकि कोविड के दिनों में मेरा जाना आना बहुत कम हुआ, स्वाभाविक भी था, जिसके कारण से हम जनता को बुला भी नहीं सकते थे, अब वो सारे काम जैसे जिला अनुसार पहले भी मैंने लगभग 11 जिलों में सभाएं की थी, अब वो बाकी जगह पर सभाएं और साथ साथ ये जन सुनवाई, ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ। साहब, लगभग 500 से अधिक जो हैं लोग प्रशासन के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, क्या अगली बार ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा वो सारे लोग आप तक अपनी बात रख पाए? देखिए, हमने इसके कई प्रावधान किए हैं, जैसे CM विंडो उसमें से एक है, बहुत लोग अपनी समस्याओं को CM विंडो में डालते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100% लोग संतुष्ट होते हैं, बहुत से लोग संतुष्ट होते हैं, फिर भी अगर 10-20% उसमें रह जाते हैं, हम ध्यान करते हैं उसके बाद भी उनकी समस्या को, जो उनकी जेन्युइन समस्या है उसको हल करने की कोशिश की जाती है। कई बार कोई शिकायत करने वाला, उसकी शिकायत ऐसी होती है कि जो शायद उसके हक में नहीं जाती है,
और उसके दूसरे किसी व्यक्ति के हक में जाती है, उसका संभव होना भी संभव ही नहीं होता है। दूसरा, हमने जगह जगह अपने डिप्टी कमिश्नर को, अपने स्टाफ को, सबको कहा हुआ है कि वो भी जन सुनवाई सप्ताह में एक दिन करें। हमारे डीसी, हमारे एसपी, वो भी अपने अपने ऑफिस में सुबह कितने 11 बजे 11 से 1 दो घंटे प्रतिदिन वो बैठते हैं ताकि उनको भी चीजें पहुंचाई जा सकें। और जहां कहीं डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिडक्शन का सिस्टम बनाया हुआ, प्रायः सब डिपार्टमेंट्स ने बना लिया है कि उनकी ग्रीवेंसेस को उसमें डालना चाहिए। जहां तक डिमांड्स की बात है, आज भी लगभग 40-45 एप्लीकेशन का डिमांड के उनके मांग पत्र थे, वो भी हमने लिए हैं। हमने उनको बताया कि अब उसमें भी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक अपनी डिमांड सीधी पोर्टल पर डाल सकता है। जहां तक गांव का प्रश्न है, उसमें ग्राम दर्शन और जो शहरी है उसमें नगर दर्शन, ये पोर्टल ऐसे हैं, अपने गांव का, उसी गांव का जो निवासी है केवल वही डाल सकता है, कोई भी नहीं डालेगा। उस गांव का निवासी है, उसमें अपने गांव की सड़क है, गली है, नाली है, पानी है, विद्यालय है, कोई अस्पताल है, कुछ और जो भी उनकी आवश्यकता है उसमें डालेंगे। डिपार्टमेंट को बताया गया कि ये सब प्रायोरिटी के अनुसार, हमारी कोई प्रायोरिटी जैसे बनती हैं, जहाँ कहीं बहुत आवश्यकता है उनको सबसे पहले करें और बाद में बजट के अनुसार बाकी चीज़ों को भी साथ साथ करें। इसलिए बहुत विषय ऑनलाइन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके कारण से किसी की बात ना सुनी जाती हो, फिर भी हमारे बाकी मंत्री भी आते हैं यहाँ, मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग भी होती है, हमारे दिशा की मीटिंग भी होती है, मेंबर पार्लियामेंट हमारी स्वयं जाकर के अध्यक्षता करती है उसकी। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी ग्रीवेंस सुनाने के लिए। सर, आप पूरा विकास करवा रहे हैं पूरे हरियाणा भर में, लेकिन सिरसा की सड़कों के हालात देखें तो काफी हैरानी होती है। वजह यह है कि एक नौजवान डॉक्टर जो अपने परिवार का लालन पालन करती थी, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई, और सड़कों का जो जंजाल होना चाहिए वो सिरसा में क्यों नहीं? सर, सड़कों का जाल, जाल नहीं, सड़कों के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि वर्षा के समय तो तुरंत ठीक नहीं हो सकती है, तो इस वर्षा काल के बाद हमने सभी विभागों की योजना बना दी है, चाहे वो PWD है, अर्बन लोकल बॉडीज है, मार्केटिंग बोर्ड है, HSVP है, HSDC है, ऐसे 6 डिपार्टमेंट हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की सड़कों की, और वो बनाते भी हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। ऐसे सभी विभागों की योजना बना करके हमने उसको आगे बढ़ा दिया है। बहुत से विभागों ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। 650 किलोमीटर सड़कें मार्केटिंग बोर्ड, और उसमें भी क्वालिटी बदल दी है। पहले क्वालिटी थोड़ा PWD और मार्केटिंग बोर्ड की अलग अलग रहती थी, अब मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो भी PWD के लेवल पर ही बनेंगी। उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन वो पैरामीटर उसके वही बनेंगे। UL Bs को भी, UL Bs की भी जितनी सड़कें हैं उनको, उनका बजट जो उनके पास है उसमें से प्रायोरिटी पर वो सब करेंगे। PWD उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। हर एक विधानसभा में 25-25 करोड़ रुपए का, up to 25 करोड़, जितने काम वहाँ आवश्यक हैं वो सब हमने पूछ लिए हैं और सब पर काम चालू हो गया। एक गंभीर मुद्दा सर, SYL का जो है अभी भी, सर एक सरसा में मेडिकल के बार बार आप घोषणा कर, अभी तक एक ही ईंट नहीं लगी वहाँ पे, इससे आप क्या कह रहे हैं? अभी तो उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ है, शिलान्यास होगा तो ईंट लगेगी। केंद्र सरकार ने एक डिमांड बात कही थी कि राज्य सरकारें महंगाई को कम लाने के लिए वेट पेट्रोल पदार्थों पे कम करें, तो हरियाणा पेट्रोल पदार्थों पे वेट कम करने जा रहे हैं? हमने पिछले साल में 2 बार ये किया है। अब हमारी जो आवश्यकताएं हैं जनता के लिए ही होती हैं, वो आखिर जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू के साधन स्टेट के अपने बहुत कम हो गए हैं। GST वो भी अब GST काउंसिल पूरे देश भर की वो तय करती है कि किसका GST क्या होगा। इसलिए वैट जैसी ही चीज़ एक आध है जिस पर हम अपने रेवेन्यू को अपने हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए बाकी सब प्रदेशों से हमारा रेवेन्यू आसपास के जो स्टेट्स हैं, यानी हमारा वैट, उनसे कम है, उनसे ज़्यादा नहीं है। बहुत सी तो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ 25% 28% 40% वैट भी है, हमारा तो कितना 12-17% 10-20 से नीचे है। हरियाणा में हड़ताल भी जा रही है, आड़ती मंडियां बंद रहेंगी ई प्रणाली पे। देखिए, युग परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन में सबको उसके अनुसार चलना, बहुत मुझे लगता है कि चलना ही चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पहले होते थे? पहले तो सब प्रकार के सिस्टम अलग होते थे, एक कपड़ा ऊपर रख के नीचे हाथों से बोलियां आ जाती थी, उसे भी नहीं बोलना पड़ता था।
आज ये मार्केट इतनी ओपन हो गई है कि इसमें ऑनलाइन हम तो हर चीज का देखते हैं, ऑनलाइन बाजार चलते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम देश भर में अनाज में भी चले, मंडी में भी चले, ई नाम का मतलब वही है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी। सीएम साहब, अगर कोई व्यक्ति यहाँ का फसल उसकी मान लो केरला में है, वहां से भी वो खरीद सके, कोई असम का व्यक्ति हरियाणा की मंडी से खरीद सके, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये विरोध का कोई कारण होना नहीं चाहिए। जिसको जहाँ से चीज उपलब्ध होती है, किसान भी चाहता ही है कि ओपन मंडी होनी चाहिए, आखिर एक तरफ किसान की प्रोड्यूस उसका भाव उसको ज्यादा मिले, तो ये सोर आगे बढ़ रहे हैं। हमने डबल इनकम अगर किसान की करनी है तो ओपन मंडी करनी पड़ेगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल की बहुत कमी है, जैसे खास करके म्यूनिसिपल कमेटी और पीडब्ल्यू वो करता है। है व्यवस्थाएं सब बनी हुई है, हमारे डिप्टी कमिश्नर मोटे रूप से इसी काम के लिए होते हैं कि जिले के अंदर सबका ताल मिला सर, महंगाई बेरोजगारी और के पर 50% अंकुश लग सकता है, अगर आप ग्रेजुएट कमेटी के चेयरमैन अली विज को हमें दे दे तो आपका धन्यवाद होगा। यहाँ हर रोज मृत्यु होती है और लोग गरकत में जा रहे हैं, आप अम्बाला चले जाओ, ये रिक्वेस्ट है आपसे। सीएम साहब, महंगाई बेरोजगारी पहला बार तुम सीएम साहब, सीएम साहब पहला बार एक एक करके एसवाईएल का मुद्दा फिर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में उठाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तय करे, क्या लग रहा है सर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा की सियासत कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो फंस गए हैं, उनके गले में एक एसिडी फंसी है, ना निकल सकते ना उगल सकते हैं, ठीक है ना। अब वो पंजाब के भाषा बोले या दिल्ली की भाषा बोले उनको यही समझ नहीं आता। अब कहते हैं न्यायपूर्वक अगर बात करेंगे तो हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने एसओएल से पानी जो मिलना है उसका फैसला दिया जा चुका है, केवल अब एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। पानी जो उनको आता है अगर वो हिस्से से सारा मिल जाएगा और वो उसका लाभ दिल्ली को भी होगा, पंजाब अगर पानी छोड़ता है तो हरियाणा को ही नहीं दिल्ली को भी उसका लाभ होने वाला है। वरना एक स्थिति ऐसी आएगी कि पंजाब में जितना पानी ज्यादा उपयोग करते हैं उनकी जमीन वो उपजाऊ नहीं रहेगी, और ये पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है जिसमें वो खुशी मनाते हैं वो भी उनको नहीं मनानी पड़ेगी। इसलिए एसओएल का पानी के मामले में हरियाणा अन्य राज्यों से पीछे नजर आ रहा है जी। हमने पत्र लिख दिया है अपने केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री, उनको पत्र लिखा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दोनों बुलाएंगे। पंचायत चुनाव सर कब होंगे? अब 30 नवंबर तक भी राज्य चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी। देखिए पंचायत चुनाव की प्रोसेस अपने को पता है कि उसमें आरक्षण का एक विषय, बैकवर्ड क्लास का जो एक हमने आरक्षण किया था और महिलाओं का जो 50% प्रतिनिधित्व दिया था, पहले तो हाई कोर्ट में कुछ निर्णय होना शेष था वो हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के कारण से उन्होंने कहा कि यानी ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चुनाव कराए जाए। पहला उसमें था कि एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, हमने कमीशन बना दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक इकाई जो चुनाव वाली इकाई होती है उसकी आबादी का आंकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, वो हमने उस कमीशन ने रिपोर्ट हमको दे दी है, रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। और उसके बाद ऑर्डिनेंस के बारे में हमने गवर्नर साहब को निवेदन किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब वार्डबंदी और वार्डबंदी के बाद रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन का काम भी सारे आंकड़े इकट्ठे करके वो करना शुरू कर दिया। डीसीजन करना था, ये पहले तो ऊपर से निर्धारित हो गया, हमने निर्धारित दिया सीटें, फिर आरक्षण डिप्टी कमिश्नर ने करना है। क्या आ गया डिप्टी कमिश्नर के पास? अभी नहीं आया सर, ट्यूसडे को आना, बस दो दिन में वो आ जाएगा। इसके बाद एक 7 दिन का समय इनके पास होता है, इन्होंने आगे नोटिस देना होता है, वो नोटिस देंगे, रिजर्वेशन का फाइनल सीटें हो जाएंगी, कौन सी किसकी मिलेंगी, इतने प्रक्रिया के बाद फिर ये चुनाव आयोग के पास जाएगा। और चुनाव आयोग का एक लगभग 30 दिन का 35 दिन का समय होता है जिसमें चुनाव कराते हैं। तो ये सब प्रक्रिया, चूंकि पहले हमने 30 सितंबर तक कहा था करना संभव नहीं था, इसलिए बाद में दशहरा दिवाली भी आ गया अगले महीने, तो उन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने परमिशन मांगी कि 30 नवम्बर तक, हमने कोर्ट को लिख के देना था, हम कोर्ट को लिख के दे रहे हैं कि 30 नवंबर तक चुनाव करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी, तो नगर परिषद का बुरा हाल है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो आपको पता लग गया सीवर लाइन के कारण।
उसकी रिपेयर नहीं हुई। सरकार का एक आदेश था 2013 में कि सारे डिपार्टमेंट आपस में बातचीत करके समन्वय करके कोई भी काम करेंगे। हिसार रोड की बात करें तो सीवर लाइन डल गई, उससे पहले 8 करोड़ लागत से वो सड़क बनी थी, समन्वय न होने के कारण 8 करोड़ बर्बाद हो गया। पार्कों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है, डस्टबिन घोटाला हुआ है, अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है सर। मैंने बता दिया पहले सीएम साहब इनका सबका सीएम साहब इलाहाबाद को लेकर सवाल है, इलाहाबाद को लेकर सवाल है सीएम साहब। इलाहाबाद के जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो डॉक्टर है उनके जो ड्राइवर है सरयाम है, जो ऑपरेशन के नाम से 6 से 7 हजार रूपए ले रहे हैं, काफी वीडियो भी वायरल हो रही है। शिकायत मेरे पास अभी आई नहीं है, जैसे कुछ शिकायत आएगी उसके खिलाफ। मैडम के मुख्यमंत्री जी, आज अरुणवन सेवा सदन का आप शिलान्यास कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का लगातार हर स्पीच में बात आई है, लेकिन उसका शिलान्यास कब होने जा रहा है? देखिए, मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव एक विषय होता है, बजट का विषय होता है, वो सरकार का काम है। ये अरुणा धर्मशाला का सरकार का नहीं है, एक संस्था का काम है, तो संस्था अपना काम कर रही है तो संस्था का। चुनाव कुछ तोहफा लेके जा रहे हैं सर, सीटी की डेट्स तय हो गई है, 3 और 4 नवंबर, ये उसकी डेट्स जो है तय हुई है। और बस इतना ही है कि हमको चुनाव को थोड़ा सा उसमें बचाना है कि चुनाव की तिथियां, मुझे लगता है उसके बाद ही कोई नई तिथि आएगी, उस बीच में सीटी का एग्जाम हो जाएंगे और फिर ग्रुप सी का पोस्ट के हिसाब से एक सेकंड टेस्ट होगा। ग्रुप डी, ये डी का तो नहीं है ना, सी का, इसके बाद फिर डी का भी सीएटी होगा।